शायान अली ये भी कहिएगा कि अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हिफाजत अभी तक निकाला गया है, तमाम जो एक जख्मी यहाँ पे यहाँ से जो है निकाला गया है, उसके साथ साथ जो है अभी कोशिशें जारी है, ऑपरेशन जारी है, फायर ब्रिगेड की जानिब से जो है ऑपरेशन किया जा रहा है, साथ में जो है रेस्क्यू टीमों की जानिब से जो है सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है कि अंदर से कोई इस तरह का रास्ता मिल जाए जो पीछे की साइड से हो या कहीं साइड से हो, तो जहाँ से जो है बाहिफाजत निकालने की कोशिश की जाए। तमाम जो है फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है, जिसपे एक स्नार्कल है और स्नार्कल की जानिब से जो है इमारत के ऊपर के हिस्से से जो निकालने की कोशिश जारी है, जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रश है और दीगर टीमें भी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस, रेंजर्स, ईडी, चीपा और दीगर जो है 112 जो है यहाँ पे मौजूद है, जिनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि तमाम तरह अफराद को जो है बाहिफाजत यहाँ से निकाला जाए। शायान, कही गए आयशा मंजिल के करीब ये जो बताया जा रहा है फर्नीचर की दुकानों में आग लगी है, ये जो 7 मंजिला रिहायशी इमारत बताई जा रही है, इसमें जो ग्राउंड फ्लोर था क्या वो कमर्शियल था और वहाँ पर ये दुकानें मौजूद थीं? हाँ जी बिल्कुल, ये 5 से 7 मंजिला जो है बताई जा रही है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये जल चुकी है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है दुकानें थी, दुकानों में जैसे कि मैंने कुछ देर कबल बताया कि इस पे फोम की दुकानें थी, फोम और गद्दा जो घर में फर्नीचर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, उसके जो है फोम यहाँ पर रखे हुए थे जो कि यहाँ से सेल किए जाते हैं, और फोम की वजह से जो है आग ज़्यादा तौर पर जो है शिद्दत अख्तियार कर गई है और एक दुकान के बाद दूसरी दुकान के बाद बताया जा रहा है कि पार्किंग को अपनी लपेट में लिया, उसके बाद जो है पूरी इमारत को इस वक्त जो है जलाकर खाकसर कर दिया गया है। शायान, क्या इस इमारत में कोई फायर एग्जिट था जहां से लोगों को निकलने में मदद मिली हो? जी देखें, अब तक जो है इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली गई है कि किसी को जो है निकाला गया है या फिर कोई रजाकारा तौर पे खुद यहाँ से निकला हो, मगर जो है कोशिश की जा रही है कि कोई इस तरह का रास्ता नज़र आ जाए या मिल जाए जिससे जो है बाआसानी उनको निकालने की कोशिश की जाए। तहम जो है रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से जो है भरपूर कोशिश की जा रही है। पहले तो ये भी कोशिश की जा रही है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर और जो आस पास में आग लगी हुई है उसको काबू पे किया जाए, जिसके बाद जो है इनको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि शहरियों को निकालने में और जो है यहाँ से मुंतकिल करने में। मगर दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शहरी मौजूद है जो कि ये मनाजर देखने के लिए आए हैं और रेस्क्यू की टीमें, मीडिया नुमाइंदगान की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा रेस्क्यू टीमों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पा लिया जाए, उसके बाद जो है बाआसानी शहरियों को निकाला भी जाए। जी शायान, कहिएगा इस वक्त कितने फायर टेंडर्स यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं? इसके साथ साथ आपने बताया स्नार्कल भी है, क्या वाटर ब्राउजर्स भी तलब किए गए?